गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर न्यूमेरिकल एनालिसिस हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 में कुछ मेथड पढ़े थे, उसी क्रम में नेक्स्ट मेथड जो है हमारे पास है आयलर मेथड या आयलर विधि। तो भाई आयलर विधि द्वारा किसी भी समस्या को या समीकरण को हल करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ही डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम कि पद लंबाई 0.1 लेते हुए आयलर विधि द्वारा निम्न समीकरण से y 0.5 का मान ज्ञात कीजिए तो भाई देखो पद लंबाई h की वैल्यू जो है 0.1 लेंगे और y 0.5 पर, यानी 0.x बराबर 0.5 पर y x का मान निकालना है आपको, ठीक है। जहां आपको समीकरण दी हुई है dy बाई dx एक अवकल समीकरण है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक कंडीशन प्रारंभिक कंडीशन भी दी हुई है वाई जीरो बराबर जीरो, यानी एक्स बराबर जीरो पर वाई जीरो का मान क्या है, जीरो है। तो किसे इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले समीकरण को लिखा अपन ने, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड y0 इज इक्वल टू जीरो। अब h जो है अंतराल या पद लंबाई जो आपको दी हुई है 0.1, अच्छा 0.1 से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 तक, यानी n का मान कितना आ गया हमें 5, यानी 5 तक निकालना है, 5 सन्निकटन तक मान निकालने हैं अपन को। और x बराबर 0 पर क्या है y0 का मान जीरो, यानी वाई जीरो ये जिसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसको मान लिया आपने एफ एक्स वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स को, तो यहाँ से एफ एक्स वाई का मान क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आयलर विधि द्वारा, आयलर विधि से हम हल करते हैं वाई वन, प्रथम सन्निकटन जो होगा वाई जीरो प्लस एच एफ एक्स नोट और वाई नोट, ठीक है। अब वाई वन का मान निकालना है तो वाई जीरो का मान हमारे पास कितना है, जीरो है, प्लस एच का मान 0.1 है, और एफ एक्स नोट वाई नोट इसका मतलब एक्स नोट स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई नोट स्क्वायर हो जाएगा, एक्स नोट स्क्वायर प्लस वाई नोट स्क्वायर अगली स्टेप में मान रखेंगे। ये जीरो हो गया, ये 0.1, अच्छा एक्स नोट स्क्वायर की वैल्यू, एक्स नोट स्क्वायर मतलब जीरो का स्क्वायर, और वाई नोट स्क्वायर भी कितना हो गया, जीरो स्क्वायर। तो अपने पास ये पूरा जीरो, जीरो को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जीरो, यानी वाई वन का मान कितना है हमारे पास, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट जो है पद लंबाई कितनी थी हमारे पास 0.1, तो वाई टू का मान निकालेंगे, y2 क्या आएगा, अब ये एक एक बढ़ता जाएगा y1 प्लस h f x नोट में आपके पास जुड़ जाएगा h और ये हो जाएगा y1, ठीक है। ये मेथड है y2 बराबर y1 की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0.1, f x नोट प्लस h और y1 x नोट प्लस h का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें अपन ने वैल्यू रखी, जीरो हट गया तो 0.1, और यहाँ से एक्स नोट की वैल्यू कितनी थी भाई, जीरो, और एच की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 0.1, तो ये जीरो प्लस 0.1, 0.1 का होल स्क्वायर। वाई वन की वैल्यू कितनी थी, जीरो का होल स्क्वायर, तो वाई टू बराबर, इसको अपन सोल्व करेंगे जीरो पॉइंट वन की पावर थ्री हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 0.001। वाई टू की वैल्यू आई हमारे पास 0.001। इसी प्रकार आपको क्या निकालना है, वाई थ्री,
वाई थ्री, वाई थ्री के लिए हो जाएगा वाई टू प्लस एच एफ एक्स नोट प्लस टू एच, भाई एक्स प्लस एक्स नोट प्लस एच था पहले, सबसे पहले एक्स नोट था, फिर एक्स नोट प्लस एच, एक्स नोट प्लस टू एच, एक्स नोट प्लस थ्री एच, एक्स नोट प्लस फोर एच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई टू। तो वाई थ्री इज इक्वल टू, वाई टू का मान हमने पीछे से निकाला है 0.001 प्लस एच की वैल्यू 0.1, और एफ जो फलन में मान रखा था हो जाएगा एक्स नोट प्लस टू एच का होल स्क्वायर प्लस वाई टू का होल स्क्वायर। तो वाई थ्री इज इक्वल टू आया 0.001 एज इट इज, 0.1 भी एज इट इज। अच्छा एक्स नॉट की वैल्यू जीरो थी और टू इंटू एच ही हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू की वैल्यू 0.001 का होल स्क्वायर। आपने इसको सोल्व किया 0.001 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर इंटू 0.1, ठीक है, और इसमें ऐड करना है 0.001, ये वैल्यू है हमारे पास 0.005, 0.005 ये आ गई वाई थ्री की वैल्यू। उसके बाद निकालना है हमें वाई फोर, वाई फोर के लिए ऊपर हो जाएगा देखो वाई थ्री प्लस एच एफ एक्स नोट प्लस टू एच था, अब कितना हो जाएगा 3h, और ये हो गया वाई थ्री। वाई फोर इज इक्वल टू वाई थ्री की वैल्यू है जो हमारे पास 0.005 प्लस 0.1 एक्स नोट प्लस 3h का होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री का होल स्क्वायर। वाई फोर की वैल्यू 0.005 प्लस 0.1 और एक्स नॉट प्लस 3h, एक्स नॉट जो है जीरो है और ये हो जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा 0.005 का होल स्क्वायर, और आप इसको सोल्व करोगे तो वाई फोर की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.005 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर इंटू 0.1 प्लस में 0.005 या आगे 0.0014 0.014 वाई फोर की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट जो है हमें क्या निकालना है वाई फाइव, वाई फाइव के लिए हो जाएगा वाई फोर प्लस एच एफ एक्स नोट प्लस फोर एच और ये वाई फोर। वाई फाइव इज इक्वल टू 0.014 प्लस एच की वैल्यू 0.1 और ये हो जाएगा एक्स नोट प्लस फोर एच इसका होल स्क्वायर प्लस वाई फोर का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। ये तो आ गया 0.014 एज इट इज प्लस 0.1 भी एज इट इज, एक्स नॉट की वैल्यू 0 और 4 इंटू एच का मतलब 0.4 का होल स्क्वायर, और वाई फोर की वैल्यू 0.014 का होल स्क्वायर। तो भाई आपने इसको सोल्व किया 0.014 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर इंटू 0.1 प्लस 0.014 ये हो गया 0.0190 है तो इसको आप लिख सकते हो 31। तो हमें किसका मान निकालना था, ये जो वाई फाइव निकला है ये क्या है वाई 0.5 बराबर 0.031, अर्थात किस प्रकार हमने इसको सोल्व किया। सबसे पहले आपको एक समीकरण दी हुई थी dy by dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और y 0 बराबर 0 एक कंडीशन दी हुई है प्रारंभिक कंडीशन, हमें निकालना है y 0.5 पर मान। सबसे पहले आपने निकाला देखो अंतराल जो है पद लंबाई वो दे रखी है आपको 0.1 लेनी है,
तो 0.1 लेते जाएंगे तो 0.5 कब आएगा? सबसे पहले आपने 0.1 लिया n बराबर 1 पर, n बराबर 2 का मतलब 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4 और 0.5। इसलिए n बराबर क्या ले लिया? 5, यानी y 5 तक वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमने निकाला है y1। ये जो है आइलर का फॉर्मूला होता है, जैसे y1 इज इक्वल टू y0 प्लस hf x0 y0, प्रथम सन्निकटन। नेक्स्ट जब y2 की वैल्यू निकालते हो तो एक बढ़ गया, यहाँ से भी एक बढ़ गया hf x0, और यहाँ हो जाएगा x0 प्लस h। नेक्स्ट में हो गया x0 प्लस 2h, फिर x0 प्लस 3h, उससे आगे लगा x0 प्लस 4h, ठीक है। और y5, ये y4, तो ये y4, ये y3, तो ये भी y3। इस प्रकार से जो है ये आयलर फॉर्मूले द्वारा किसी भी समीकरण को हल करते हैं। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। आयलर विधि द्वारा निम्न समीकरण, जो कि क्या है, dy/dx इज इक्वल टू 1 - x प्लस 4y, जहाँ y0 बराबर आपको दिया हो 1 से x बराबर 0.2 पर y का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ पद लंबाई जो है वो क्या है, 0.1 है, ठीक है। तो पहले वाले सवाल की तरह इसी को हल करना है। सबसे पहले आपने लिख लिया कि माना fxy बराबर हो गया हमारे पास क्या, dy/dx, तो fxy का मान जो आ गया वो क्या आ गया, 1 - x + 4y। अच्छा, पद लंबाई h जो है वो 0.1 दे रखी है, हमें मान निकालना है 0.2 पर, तो यानी n बराबर 2 तक मान निकालना है। और आपको कंडीशन दी हुई है y0 = 1, यानी x0 का मान तो 0 है और y0 का मान है आपके पास 1, ठीक है। तो प्रथम सन्निकटन निकालेंगे अपन y1 इज इक्वल टू y0 प्लस hf x0 और y0। y1 का मान आया, y0 की वैल्यू कितनी थी, 1, प्लस h की वैल्यू 0.1, fx0 y0, तो ये फलन जो है यहाँ से लिख लेते हैं अपन 1 - x0 + 4y0। अब मान रखते जाएंगे, 1 + 0.1, 1 - x0 की वैल्यू कितनी है, 0, प्लस 4 × y0 की वैल्यू 1, तो भाई ये आ गया 1 + 0.1। और यहाँ से देखी जाए तो 4 × 1 = 4, और 1 + 4 कितना हो गया, 5, तो ये 1 + 0.5, यानी y1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1.5। हमें और द्वितीय सन्निकटन भी निकालना है, द्वितीय सन्निकटन मतलब y2 की वैल्यू। y2 की वैल्यू जो होगी y1 प्लस h fx नोट प्लस h, और ये हो जाएगा y1। मान रखा आपने y2 इज इक्वल टू y1 का मान कितना आया, 1.5, h की वैल्यू जो है 0.1 है, और ये हो गया देखो 1 - x0 + h और प्लस y1। वैल्यू रखी इसमें y2 इज इक्वल टू 1.5 एज इट इज, 0.1 भी ऐसे कैसे, और ये हो गया 1 - x0 + h, x0 तो था 0 और h की वैल्यू थी 0.1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0.1 प्लस y1 की वैल्यू जो है अभी आपने निकाली थी, तो 4 × y1 आएगा, ये हो जाएगा 4 × y1। y1 की वैल्यू आपने निकाली थी 1.5, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, y2 इज इक्वल टू 1.5 प्लस 0.1, और ये हो जाएगा भाई अपने पास कितना, 1 - 0.1 प्लस, और ये हो गया 6, 6 × 1 = 7, 1.5 प्लस 0.1, और ये हो गया 7 - 0.1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, 7 - 0.1 6.9 × 0.1
प्लस 1.5 तो क्या 2.19। तो वाई टू की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.19। ये क्या होगा इसका वाई टू का मतलब 0.2 पर वैल्यू, x बराबर 0.2 पर y 0.2 की वैल्यू कितनी है 2.19। तो इस प्रकार से जो है आयलर मेथड द्वारा किसी भी समीकरण को हल करेंगे। और एक आयलर संशोधित मेथड है जो किसी प्रकार है, इसके पश्चात जो है हमारे पास यूनिट नंबर 4 जो है कंप्लीट होती है। और इनके क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं आपको आयलर विधि द्वारा, जो क्वेश्चन है PDF में आपको दे दिए जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, इनकी कैलकुलेटर की प्रैक्टिस भी बहुत करनी है आपको। सो गाइज थैंक यू।